और सर बताया जाए भोजपुर में जो आरके सिंह दोबारा सांसद बने और केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामविलास पासवान, उनको भी टिकट मिल चुका है। ऐसे में आप लोग एक जिले के कार्यकर्ता हैं तो कितना खुशी मिल रहा है? खुशी तो हमारे सबसे अधिक है कि हमारे मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके कामों से पूरे हिंदुस्तान में जो हम लोग नहीं सोचे थे वो हमारे रिजल्ट आया। और यहाँ तक कि रामविलास पासवान तो इस संसद में जितने लोग हैं उन सबसे बड़ी, और कल भी दिखाया था कि सबसे सीन का कार्य संतोषजनक है, एक नंबर पर रामविलास पासवान हुए। उन्हीं के चलते रामविलास पासवान को हमारे मोदी जी ने कैबिनेट में मंत्री बनाए। और यहाँ हमारे भोजपुर में आरके सिंह, जिनको काम देखकर जिसको वोट नहीं देना चाहिए था, वो भी कहा कि मैं भाजपा का वोट नहीं दे रहा हूँ, हम आरके सिंह का दे रहा हूँ, इसलिए कि आरके सिंह यहाँ काम किए हैं। बिहार से कई लोगों का नाम इस बार केंद्र में गया है और उन्हें मंत्रिमंडल मिला है, तो क्या लगता है बिहार का चौमुखी विकास हो पाया होगा या केवल? ना ना, इस बार तो बिहार का कौन का है, पूरे देश का चौमुखी विकास होगा। मोदी जी कसम खा लिए हैं कि हम विकास करेंगे, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होगी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान को आपको क्या संदेश देंगे? हम उनको देंगे कि जिस तरह से मोदी जी सपना देखे हैं और लोगों के बीच में वादा किए हैं, उस पर ये रामविलास पासवान भी खड़ा उतरे और जो भी विभाग मिले ईमानदारी से अपना कार्य करें, और जनता के बीच में जो संदेश है प्रधानमंत्री का।